नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार विधानसभा के समापन के साथ ही साथ मंगलवार को बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार सातवीं बार शपथ लिए हैं और उनके साथ ही साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। आपको बता दें कि NDA के चारों घटक दल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। साथ ही साथ कुछ नए मंत्री इस बार आपको नजर आएंगे NDA के इस बार मंत्रिमंडल में। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी इस बार पहली बार मंत्री पद का शपथ लिए हैं और उन्होंने मंत्री बनते ही क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। दरअसल मुकेश सहनी मंत्री बनने के बाद निषाद विकास के सम्मान सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े का बेटा हूँ, सम्मान दिया है लोगों ने, यह पद मुझे विरासत में नहीं मिला, मैं अपने अंतिम सांस तक गरीबों के लिए काम करता रहूंगा। मुकेश सहनी ने बिहार वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रदेशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से विश्वास जताया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी कमी है उसे NDA के इस सरकार में पूरा कर लिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। हम बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। मुकेश सहनी ने बिना नाम लिए राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है, कुछ लोग अपने घर में बैठकर माथा नोचते होंगे कि हमने क्या कर दिया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में NDA को बहुमत मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें 4 सीट पर जीती VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी मंत्री बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बार मुकेश सहनी अपने वादों पर रहते हैं या इस बार वो मुकर जाते हैं अपने वादों से। बाकी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।